वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का पुलाव। तो इधर हमने 3 पाव चावल लेनी है टोक, तो 2 प्याज लेनी है 2 पीस, तो टमाटर हमने 2 लेनी है। तो इधर मोटी इलायची, बादाम के फूल और लौंग हमने ले ली है, 5 लौंग और 1 बादाम का फूल और 2 मोटी इलायची। और इधर हमने लेनी है सूरख मिर्चें, गाड़ी की बनी हुई सूरख मिर्चें 2 और 1.5 चम्मच नमक। आप अपने हिसाब से जितना नमक खाते हो उतना डाल सकते हैं। तो इधर हमने ले लिए लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच और 2 सब्ज़ मिर्च, तेज़पत्ता के 2 पत्ते 3 पत्ते। तो आप हमें प्याज को सबसे पहले इसको कटिंग करके फिर ब्राउन करेंगे। ये वाली हमने चने की दाल ले ली है, तो इधर हम प्याज को कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा इसको हम मोटा मोटा काटेंगे। तो जिस टाइम आप छुरी इस्तेमाल करेंगे एहतियात करना कि आप अपनी उंगली ना काट लें। तो इसको हमने प्याज को अच्छी तरह से काट लिया सारा। तो ये देखिए हमारा प्याज थोड़ा इतना को, तो ये हमने थोड़ा मोटा काटा है प्याज को। अब हम इस प्याज को 1 पाव तेल में ब्राउन करेंगे। तो इधर हमने नॉन स्टिक की कढ़ाई में 1 पाव तेल ले ली है। तो अब हमने इसको प्याज को इसमें डाल दिए तेल में। तो इसको अब थोड़ी देर लगेगी ब्राउन होते हुए। हमने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया, तो इसमें हमने टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिए। तो इसको अब हम हल्की सी बनाई कर लेंगे। इसमें हमने लौंग और मोटी इलायची, बादाम का फूल भी डाल दिए। तो हम इसको हल्की सी बुनाई करेंगे। इसमें हम मसाले भी सारे ऐड कर देंगे। हम पिल्लो के ऊपर इसमें फिर पानी डाल देंगे, तो ये अच्छे से बन जाएगा हमारा। तो ये देखिए हमारा अच्छे से मसाला ये तैयार हो रहा है। तो हमने इधर किलो से ऊपर थोड़ा सा हमने पानी डाल लिया है इसमें। अब जिससे हमें इसको उबालियाँ आएंगी, तो हम इसमें फिर चावल डाल देंगे। तो हमारा इधर ये पानी उबल चुका है, तो अब हम इसमें हमने इसमें चावल डाल दिए। तो अब हम इसमें इसको थोड़ी देर हल्के से पकेंगे, तो फिर चने की दाल डाल देंगे। तो इधर हमारे चावल माशाल्लाह से थोड़े से पक के और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो अब हम इसमें चने की दाल भी डाल दी है। अब हम इसको कुछ देर के लिए दम दे देंगे। 6-7 मिनट हम इसको दम दे देंगे, अच्छे से हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे 7 मिनट बाद चावल अच्छे से तैयार हो गए। अब इसको खोलते हैं बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से हमारे चावल अच्छे से तैयार हो गए, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। चना पुलाव, चने की दाल का पुलाव। तो माशाल्लाह से ये देखें, तो ये अच्छा देखें। तो माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत अच्छे से तैयार हो गए और खुशबू सही जिस तरह चिकन होता है उस तरह आ रही है। तो माशाल्लाह से एवरीवन हमारे चावल बहुत अच्छे से तैयार हो गए। तो टोक चावल, तो माशाल्लाह से काफ़ी मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसे और भी हमने काफ़ी तरीक़ों के चावल बनाए, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें। नीचे एक
मैं लोको का निशान नज़र आ रहा होगा, उस लोको पर क्लिक करें तो मैं चैनल ओपन हो जाएगा। तो शुक्रिया एवरीवन, हमारी ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी मिलता हूँ। तो माशाल्लाह से। शुक्रिया एवरीवन।